जैसे पता चला है कि जो आज एक पार्लियामेंट के साथ एक जो वाकया हुआ है और जो दिल्ली पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, दिल्ली की पुलिस यहां से आके जो विक्की उर्फ विशाल है और उसकी वाइफ को डिटेन किया है और पूछताछ के लिए लेके गए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा करा जा रहा है और फर्दर जो गुड़गांव की तरफ से जो भी हमारे से वो मदद मांगेंगे या जो भी जानकारी हमसे मांगेंगे तो हम उनके साझा करेंगे। सर, स्थानीय लेवल पर आपने आसपास के लोगों से या जो भी पूछताछ की होगी उसमें क्या कुछ पता लगा है? क्या ये पता लगा है कि जो जो आरोपी हैं उनका इसके घर पर आना जाना हुआ था? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि एपिसेंटर यही है उस घटनाक्रम का, पूरा यहां से जो ताना बाना है वो देखिए, क्योंकि पूरा मैटर ये इन्वेस्टिगेशन का है, अभी दिल्ली पुलिस इसमें संगीनता से जांच कर रही है। हमारे बिहार पे हम अभी इतना ही बता सकते हैं क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के साथ निरंतर टच में हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अगर दिल्ली पुलिस अगर मांगती है तो हम उनके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे फर्दर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उनका मैटर है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो क्या क्या चीजों के अंदर जांच का वो देख रहे हैं उसके मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है। गुड़गांव पुलिस के माध्यम से हम यही बता सकते हैं अभी फॉर द टाइमिंग कि जो भी जांच के संबंध में दिल्ली पुलिस हमसे संपर्क करके कुछ जांच जानकारी हासिल करना चाहेंगी हम साझा करेंगे। आखिरी सवाल सर, क्या मैनुअल सर्विलांस की मदद आप लोग लेंगे? क्योंकि जाहिर है दिल्ली पुलिस अगर इस बात को कहती है या साथ में सीसीटीवी की टाइमलाइन वगैरह चेक करना, तो ये तमाम चीजें क्या होंगी? जो भी एविडेंसेस के तौर पर दिल्ली पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपना जो हिस्सा रखेंगी, जो भी एविडेंसेस वो चाहेंगी गुड़गांव पुलिस के तौर पर मदद दी जाएगी। और क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो लोग संलिप्त हैं वो गुड़गांव में रह के गए हैं।